तमाम नौजवान साथियों ने अपने अखबार में 35 दिन तक एक मूवमेंट चलाया, 35 दिन तक, कि एक एक नाला, एक एक गली, कलेक्टर के घर का पानी, वहां के मंदिरों का, मस्जिदों का, गुरुद्वारों का पानी सीधे गंगा में जाता। हमने सोशल ऑडिट शुरू किया, बातें उठी, चिंता हुई, रिजल्ट दिया। कलेक्टर ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने मिलकर पूरे पानी को 52 करोड़ लीटर सीवर एक छोटी सी नदी है पांडु उस पे डालना शुरू कर दिया। उन्होंने अदालत से कह दिया कि हम गंगा में पानी नहीं डालते। उन्होंने कहा कि हम तो पांडु में पानी डालते हैं। मैं पूछता हूं कि ये पांडु कहां जाती है? ये पांडु इलाहाबाद और फतेहपुर के बीच में, कानपुर से निकलकर फतेहपुर में फिर गंगा में आ जाती है। तो ये आंख मिचौली का खेल नहीं चलेगा। ये पंचायत देख ले कि ये आंख मिचौली जो करते हैं उन पर कैसे निगरानी रहेगी। ये जो आयोग बन रहा है या जो भी मिनिस्टर को हम बात करेंगे, सरकार के बिना बात नहीं बन पाएगी। बिल्कुल सच, सभी पक्षों को लेकर चल रहा है। इस तरह के खतरे सामने फिर रहेंगे। अब कानपुर को पानी गंगा का नहीं मिल रहा है, उस पर मैं नहीं जाऊं। जो मिल रहा है उसको बर्बाद किया जा रहा और उसके खिलाफ लड़ रहे अदालत का आदेश है। जब हम अनशन पर बैठे, हमारे तमाम साथी वहां अनशन पर बैठे, तो 15-18 दिनों में 57 लोगों के चालान कर दिए गए और कानपुर की 403 टेंडरिया तो सीधे सीधे दो तरह के बदमाशियां कर रही है। एक कि वो क्रोमियम वाला पानी सीधे सीधे गंगा में डाल देते हैं। अच्छा, ये जो पानी गंगा में मिलाकर और सीवर के पानी को डायल्यूट करने की व्यवस्था थी, वो इन लोगों ने खत्म किया जब ट्रीटमेंट प्लांट वाले आए। ये जो तमाम सरकार की और आईआईटी के या और तमाम सारे संस्थानों के जब लोगों ने सर्वे रिपोर्ट दी, उनकी सर्वे रिपोर्ट और उनकी कंसल्टेंसी को मानने के बाद एक व्यवस्था खत्म की गई। यानी हम प्रगति करके वहां तक आ गए कि साहब नदी का पानी और सीवर का पानी हमने एक कर दिया। ये हमारी प्रगति है। गंगा एक्शन प्लान वहां पर फेल हुआ। क्यों फेल हुआ? नहीं, हम आपने हमारे शहर की वो परंपरा तोड़ दी। हम नाले का पानी अलग रखते थे, नदी का पानी अलग रखते थे, आज हम फिर उसी बचे। नंबर ये तो हमारी छोटी छोटी नदियां हैं। पांडु 200 किलोमीटर की एक नदी है स्वामी जी, और उत्तर प्रदेश की सरकार ने उसका जो कैचमेंट एरिया है उसको बेच दिया है। 26 किलोमीटर में उसका कैचमेंट एरिया फैला है। बरसात पहाड़ नहीं है वहां, बरसात में वो पानी इकट्ठा करती थी। बहुत छोटे छोटे तालाब थे, 100-150 के तालाब थे, और एक अंतर्राष्ट्रीय पक्षी विहार वहां पर है, लाख भूसी। पाकिस्तान का पक्षी जानता है कि हमको सर्दी में पानी कहां मिलेगा? हम नहीं जानते, हमारी सरकार नहीं जानती है। वो कहती है कि पांडु से गंगा का रिश्ता क्या है? पांडु से गंगा का रिश्ता, मेरा एक निवेदन है इस पंचायत से कि गंगा और यमुना की जो छोटी छोटी नदियां हैं उनके साथ गंगा और यमुना शब्द जोड़ दिया जाए। मैंने कानपुर में पांडु को पांडु गंगा कहना शुरू किया है। आपका आशीर्वाद रहेगा तो मुझे लगता है पूरे देश में जहां जहां छोटी नदियां हैं उनकी चिंता हमको जाएगा। गंगा पर भरोसा लोग। अब खत्म कर रहा हूं अपनी बात। कैसे होगा? सबसे बड़ी चिंता यह थी कि लाइट, कैमरा और एक्शन। एक्शन है। स्वामी जी 10 साल तक मैं पत्रकार था, अभी भी पत्रकार हूं, अखबार में काम करता हूं। संपादक और मालिक से कभी कभी डर भी लगता है कि ये दिल्ली ट्रांसफर कर देंगे या कहां भेज देंगे, कैसे भेज देंगे। सवाल ही नहीं, सवाल ये है। अभी मेनका जी हमारे मालिकों को बहुत खाली हाथ कर रहे हैं।